रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम दम पोख बना रहे हैं। पहले मैंने मुर्गे का बनाया था ना, आज गोश्त का दम पोख। सबसे पहले हांडी पे मिट्टी लगाएंगे, मिट्टी गीली की है। अब इसको हांडी के तलवे पे लगा रहे हैं। थला जो होता है ना हांडी का, इससे ना हांडी फटती नहीं है ना। अगर मिट्टी ना लगी हुई हो तो फिर हांडी फट जाती है, तो इसलिए मिट्टी लगानी पड़ती है कुछ दिनों बाद। अगली मिट्टी हट जाती है ना, जब हांडी गर्म होती है तो वो हट जाती है, कुछ दिनों बाद लगानी पड़ती है। फिर ये देखना, जितनी बार हांडी पकाए ना तो मिट्टी दो तीन दफा के बाद लगानी पड़ती है, क्योंकि जब ये हांडी गर्म होती है तो मिट्टी हट जाती है। फिर इसको बैक साइड सारा लेप करना पड़ता है, वरना ये हांडी फट जाती है ना। ये देखना गीली मिट्टी किस तरह लेप हो रही है इसके बैक साइड पे। धूप में सुखाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसको चूल्हे पे रखेंगे और गोश्त वगैरह मसाले इसमें डाल के ना आटा लगाएंगे फिर इस ढक्कन पे। देखें ये सब चीजें जमा हो गई हैं, तो ये सारी चीजें गोश्त वही तकरीबन 2 किलो होगा, बाकी ये 3-4 टमाटर, 3-4 प्याज, मिर्चें, लहसुन और ये कूटी हुई मिर्चें दली हुई, और ये 2 चम्मच होंगे, और 2 चम्मच नमक है, ये 2 चम्मच सूखा धनिया है, बाकी ये तेल वगैरह। चर्बी वाला गोश्त होता है तो तेल नहीं डाले, लेकिन अगर चर्बी ना हो तो फिर तेल डालना पड़ता है। तो चलिए व्यू आप स्टार्ट करते हैं। व्यू हांडी के थल्ले के नीचे थोड़ा सा ऑयल डालें ताकि ये चिपके नहीं जी। व्यू आप मसाले बीच में डालें थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े प्याज, थोड़े टमाटर, मिर्चें, लहसुन, तो ये साथ साथ डालते जाते हैं इसमें। क्योंकि ये मसाले मिक्स कर लेना ताकि डालने में आसानी हो। ये सब नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, ये मिक्स कर लेना तो आसानी होगी। क्योंकि ये मिक्स हो गया है, अब यहाँ से डालेंगे थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह रखें। अब इसके ऊपर गोश्त डालते हैं। चलें अब गोश्त डालें, ये हड्डियाँ भी हैं, चर्बी भी है, मिक्स गोश्त है ना, तो अब इसके ऊपर फिर मसाला नहीं, वो जो प्याज वगैरह है ना वो डालेंगे। चले अब फिर डालते हैं, तो अब फिर मसाला डालते हैं इसमें, तो मिर्चें वगैरह सब, लहसुन, नूर, प्याज, तो अब इसके ऊपर फिर मसाला डालते हैं, और तो हरा धनिया भी गोश्त डालते हैं ना, फिर उसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। अब ये जो बाकी मसाला ये उसके ऊपर डाल दें, और अब जो हरा धनिया है ना वो भी डालना है, थोड़ा साफ करके डालें, ऐसे ही डाल दें खुशबू के लिए, इसकी खुशबू अच्छी होती है, इसलिए हर चीज़ की खुशबू मिक्स हो जाता है तो उसका जायका अच्छा हो जाता है। तो आप देखें ना कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। जी ये देखें, धनिया भी, हरा धनिया भी डाल दिया है माशाल्लाह। अब इसके ऊपर फिर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें, चर्बी इतनी नहीं है ना, चर्बी गोश्त में हो तो फिर कुकिंग ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चर्बी नहीं है इसलिए कुकिंग ऑयल डालना पड़ता है। जी अब कुकिंग ऑयल भी डल गया इसमें, अब इसके ऊपर ढक्कन देते हैं और ऊपर आटा, गूंदा हुआ आटा लगाते हैं। तो ये व्यूअर्स देखें, अब इसके ऊपर आटा लगाते हैं, ढक्कन दे के ना ऊपर आटा, ढक्कन उल्टा दे ना ताकि इसकी भाप वगैरह ना सही इकट्ठी हो जाए, नीचे वो इतनी जगह नहीं होती ना, फिर भाप सही इकट्ठी नहीं होती। ये अब आटा लगाने का मरहला आ गया है, सब इस तरह होना कवर के
सुराख वगैरह ना बचे, ढक्कन भी और नीचे से इधर सारा, तो आहिस्ता आहिस्ता लगाते जाए। जी देखें, थोड़ी सी जगह बाकी है वहां भी लग जाए, तो फिर इसको चूल्हे पे रखते हैं। सही तरह होने चाहिए ना ताकि इसमें सुराख ना हो जाए, वरना सारी वो जो भाप अंदर इकट्ठी होती है ना वो बाहर आ जाती है। ये आटा लग गया है, अब देखें सारा सारे साइड से कि किस तरह कवर हो गया है, सारा ढक्कन भी और नीचे से हांडी भी थोड़ी थोड़ी कवर हो गई है। अब इसको हम ना चूल्हे पे रखते हैं। जी बस इसको चूल्हे पे रख दिया है, अब इसको तकरीबन 1 घंटा चूल्हे पे रखना है, टाइम देख के टाइम के हिसाब से ना फिर इसको हटाएंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें ये हांडी में से आवाजें आ रही, गैस जो अंदर जमा हुई है ना, जिससे ये भाप से गलेंगी हांडी गोश्त, तो अब उसकी आहिस्ता आहिस्ता से ये आवाज आ रही। खुशबू भी आ रही है साथ साथ, बाहर धुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा भाप में, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। देखें तैयार हो गया है दम पुख्ता, पर आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलते हैं, आटा हटाते हैं, आटा सूख गया है तो इसके ऊपर से ढक्कन हटाएंगे, देखते हैं गोश्त गला है या नहीं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जी वे अजाने हो रही, बाहर की नमाज का टाइम हो गया है, मस्जिद में अजाने हो रही हैं और हमारा दम पुख भी तैयार हो गया माशाल्लाह। अब इसको देखेंगे कि हालत कैसी है। चलें अब ढक्कन हटाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन चिपका हुआ है, इसको हटाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह दुनिया निकल रहे हैं, गर्मा गर्म दम पुख तैयार हो गया है, खुशबुइयाँ आ रही हैं। ये देखें माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये देखें ये देखें गोश्त गल गया है माशाल्लाह, 2 घंटे रखा है ना, मुर्गा जल्दी गल जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप डोंगे में डालते हैं और चेक करते हैं, जी डोंगे में डालते हैं ना, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, और जायका भी बहुत प्यारा है। ये देखें ये डोंगे में डाल लिया, ये देखे माशाल्लाह ये लहसुन भी ऊपर नजर आ रहा है, टमाटर मिर्चें वगैरह माशाल्लाह। ये देखे कितना प्यारा बना है, सालन भी कितना प्यारा कलर है, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे का है माशाल्लाह। ओके भैया आप मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, दुआ में याद रखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कॉमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब। ओके व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।